हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद के लिए काम करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके काम से दूसरों को प्रेरणा मिलती है और समाज में सुधार होता है। ऐसे ही एक आविष्कारक हैं सोनम वांगचुक, जो अनगिनत आविष्कारों से लोगों का जीवन सुधार रहे हैं। उनका अब तक का जीवन सामाजिक कल्याण के साथ मिश्रित उद्यम की शक्ति का प्रमाण है। उनके इन्हीं आविष्कारों से प्रेरित होकर थ्री इडियट्स फिल्म के फुनसुक वांगडुक किरदार का जन्म हुआ। चलिए आपको बताते हैं सोनम वांगचुक के जीवन से जुड़े कुछ रोमांचक किस्से। सबसे पहले आपको बताते हैं कौन है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक का जन्म 1966 में लेह जिले में अलची के पास उले तोकपो गांव में हुआ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज एक सफल इंजीनियर और वैज्ञानिक सोनम ने 9 साल की उम्र तक कोई भी औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, क्योंकि उनके गांव में कोई स्कूल ही नहीं था। काफी परेशानियों के बाद उन्हें 9 साल की उम्र में श्रीनगर के एक स्कूल में दाखिला मिला। हालांकि वहां उन्हें एक अलग भाषा में पढ़ाया जाता था, जिसके कारण सोनम को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। सोनम वांगचुक ने NIT श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। वांगचुक सिर्फ एक इंजीनियर नहीं, एक प्रवर्तक और शिक्षा सुधारक भी है। सभी प्रारंभिक अनुभवों ने उनके भविष्य को आकार दिया और शिक्षा प्रणाली के प्रति उनकी निराशा ने उन्हें युवा पीढ़ी की समस्याओं और उनके ध्यान और सांस्कृतिक भ्रम की कमी को दूर करने के लिए लद्दाख के छात्रों के शैक्षिक और सांस्कृतिक आंदोलन को शुरू करने के लिए प्रेरित किया। इस कार्य में सरकारी स्कूल प्रणाली में सुधार करना, युवाओं को असंवेदनशील स्कूल शिक्षा प्रणाली के बारे में जागरूक करना और ग्रामीणों के लाभ के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करना शामिल था। 1993 से 2005 तक सोनम वांगचुक ने लेडिक्स मेलोंग की स्थापना की और एक संपादक के रूप में काम किया। उनके अनुभव और ज्ञान का उपयोग कई सरकारी एजेंसियों द्वारा एक सलाहकार और सलाहकार की क्षमता में किया गया। उन्हें विजन डॉक्यूमेंट लद्दाख 2025 के हिस्से के रूप में शिक्षा और पर्यटन पर नीति तैयार करने का काम सौंपा गया है और उन्होंने भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय में प्राथमिक शिक्षा के लिए नेशनल गवर्निंग काउंसिल में एक सदस्य के रूप में कार्य किया। वो कई अन्य एजेंसियों और समितियों में शामिल रहे। आपको जानकर हैरानी होगी कि सोनम वांगचुक अपनी सभी पथ प्रदर्शक उपलब्धियों के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर सम्मानित किए जा चुके हैं। खास तौर से ICA ऑनर अवार्ड 2017, सैन फ्रांसिस्को CAGQ मैन ऑफ द ईयर अवार्ड, सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2017 एंटरप्राइजेस के लिए रोलेक्स अवार्ड, 2016 सर्वश्रेष्ठ पृथ्वी निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेरा अवार्ड, 2016 मैन ऑफ द ईयर द वीक 2001। उन्हें इन उपलब्धियों के लिए 2018 में प्रतिष्ठित रेमन मैक्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सोनम वांगचुक का जीवन वास्तव में प्रेरणादायक है। उनका जीवन ईमानदार, उद्यम, व्यवसाय की अवधारणा को उजागर करता है, जो समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। चलिए फटाफट से सोनम वांगचुक के बारे में कुछ रोचक तथ्यों को बता देते हैं। उनका जन्म 1966 में लद्दाख के छोटे से गांव में हुआ। कठिन परिस्थितियों में शिक्षा प्राप्त की और IIT दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। लद्दाख के लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने लद्दाख में शिक्षा सुधार के लिए कई अभिनव और कार्यक्रमों की शुरुआत की, जिनमें सोलर स्कूल, विद्या विहार, स्कूल ऑफ लर्निंग शामिल है। उनका मानना है कि शिक्षा बच्चों को सशक्त बनाने और बेहतर भविष्य प्रदान करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। सोनम वांगचुक पर्यावरण के मुखर समर्थक हैं। उन्होंने जल संरक्षण और ग्लेशियरों के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई अभियान चलाए। वो ऑपरेशन न्यू होप के संस्थापक हैं, जो ग्लेशियर पुनर्द्वार का एक महत्वाकांक्षी अभियान है। फिल्म थ्री इडियट्स में आमिर खान का चरित्र फुनसुक वांगडू उन्हीं के जीवन और कार्यों से प्रेरित है। 2014 में रेमन मैक्सेसे पुरस्कार और 2018 में पद्मश्री सहित कई पुरस्कारों से सोनम वांगचुक को सम्मानित किया गया है।